नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। मणिपुर में चुरा चांदरपुर के तोरबुंग बाजार इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने कम से कम 10 खाली बड़े मकानों और एक स्कूल में आग लगा दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की भीड़ के आगे सैकड़ों महिलाएं चल रही थी और ऐसा बताया जा रहा है कि महिलाएं मानव ढाल का काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि भीड़ में शनिवार शाम को किए हमले के दौरान कई गोलियां चलाई और देसी बम फेंके। तोरबुंग बाजार में स्थित जिस स्कूल में आग लगाई गई उसका नाम चिल्ड्रन ट्रेजर हाई स्कूल है। एक स्थानीय ने नाम न छापने के शर्त पर कहा, हमने जब देखा कि सैकड़ों महिलाओं की अगुवाई में भीड़ आगे बढ़ रही थी तो हम गोलीबारी का जवाब देने में हिचकिचाए, लेकिन जब हमने उन्हें बीएसएफ का एक वाहन छीनने की कोशिश करते और हमारे मकान जलाते देखा तो हमें लगा कि हमें भी जवाब देना होगा। बाद में भीड़ ने बीएसएफ का एक वाहन भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ और इलाके में तैनात स्थानीय स्वयंसेवकों की जवाबी कार्रवाई के कारण उनका प्रयास असफल रहा। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने जाने का वीडियो गत बुधवार को सामने आने के बाद राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो 4 मई का है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बहुसंख्यक मेहती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जाति हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।